जय हिंद फ्रेंड्स, मैं विकास आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल बी के सी हेल्थ पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2020 ले 23 वाले जितने भी स्टूडेंट हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को है जो पूरा अंत तक देखें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, आप सभी का पार्ट थ्री का एग्ज़ाम का जो है यहाँ पर रूटीन जारी कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आप सामने देख रहे हैं वो आपका पार्ट थ्री के एग्ज़ाम का रूटीन है। तो फ्रेंड्स, इस रूटीन में जो है हम बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को समझाया है, आपको इसमें जो है अपने रूटीन के रिलेटेड सारे डाउट का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम यहां पर जो है एक एक बात का इस वीडियो में हम लोग से कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। अगर फ्रेंड्स आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, जो आप लोग का पार्ट वन में जो आप एग्ज़ाम दिए थे उसमें पेपर वन और टू दिए थे, जो आपका ऑनर्स विषय होता है, और फ्रेंड्स पार्ट टू में जो है पेपर थ्री और फोर दिए होंगे, ये आपका जो है पार्ट टू में हो गया। और फ्रेंड्स, अगर आप पार्ट थ्री में यहाँ पर हैं तो आपका ऑनर्स विषय का चार पेपर होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 6, पेपर नंबर 7 और पेपर नंबर 8, यहाँ जो है आपका इतना एग्ज़ाम होने वाला है, पेपर 5, 6, 7, 8 और आपका एक जो है जीएस पेपर होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यही जो है आप लोगों का जो है पार्ट थ्री में जो है आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता दूं, एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जिस स्टूडेंट का भी प्रैक्टिकल वाला जो उनका ऑनर्स विषय है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटैनी, जूलॉजी, ये सब जो है इनका प्रैक्टिकल होता है, तो फ्रेंड्स आपको इसमें 3 पेपर देना होगा, पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 6, पेपर नंबर 7। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आपका 3 हो जाएगा। और फ्रेंड्स, जो 8वां पेपर होगा वो आपके कॉलेज में आपका प्रैक्टिकल होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप लोग ये भी पूछते हो क्या उसमें प्रैक्टिकल 3 को बनाना है, बिल्कुल नहीं, आप लोग को एक ही प्रैक्टिकल होगा, जैसे कि फिजिक्स का जैसे आप देते हैं ऐसे ही आपको उसमें केमिस्ट्री वेमिस्ट्री कुछ नहीं होगा, आप सीधे जीएस पेपर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इसमें जिनका भी प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है उनका इसमें 3 पेपर होगा, और जिनका प्रैक्टिकल वाला नहीं है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस जो लिए होंगे, मैथ लिए होंगे, तो उनका पेपर 5, 6, 7, 8 ये जो है सबका होगा, 4 पेपर होगा और आपका एक जीएस हो जाएगा। और इसका प्रैक्टिकल वाला है उसका 5, 6, 7 होगा, और जो आपका आगे जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 100 नंबर का आपका प्रैक्टिकल में जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग रूटीन को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर रूटीन जो है समझने के लिए सबसे पहले आपको ऑनर्स विषय का अपना ग्रुप जो है सर्च कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ग्रुप देख लेते हैं कि आपका, जैसे कि अभी हम फिजिक्स ऑनर्स का देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको देखना है कि फिजिक्स ऑनर्स जो है ग्रुप ए में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही जो है जितने भी ग्रुप ए में हैं, तो जैसे कि हम यहाँ पर फिजिक्स ऑनर्स का देखते हैं तो हमारा ग्रुप में ए में है, तो इसी प्रकार आपको अपना ऑनर्स विषय और अपना ग्रुप देख लेना है। तो हम फिजिक्स का देख रहे हैं तो हम लोग का ग्रुप ए है, तो अब हम आते हैं अपने रूटीन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑनर्स वाले कॉर्नर पर जो है हम यहाँ पर ध्यान, ए वाला जो है कॉर्नर है पूरा जो है ऑनर्स वाला कॉर्नर है, तो हम जो है इस ऑनर्स वाले कॉर्नर पर देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं ग्रुप ए जो है 19 तारीख को पढ़ रहा है पेपर नंबर 5, यानी अगर किसी का फिजिक्स है तो 19 तारीख को आपका फर्स्ट सीटिंग जो है 10 बजे से 1 बजे तक है, और सेकंड सीटिंग 2 बजे से 5 तक है, तो आप लोगों का पेपर नंबर 5 जो है 19 तारीख को पहला सीटिंग में दिया है। और फ्रेंड्स और देख लेते हैं ग्रुप ए जो है 20 तारीख को भी है पेपर नंबर 6, यानी आपका फिजिक्स का जो है अगर हो जाएगा तो आपका पेपर नंबर 6 जो है 19-20 जो है 20 को सेकंड सीटिंग में होगा। और उसके बाद जो है 22 तारीख को यहां पर देखते हैं तो पेपर नंबर 7 हो जाएगा, ये आपका फिजिक्स हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसका 3 हो गया, अब इसका 8 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका प्रैक्टिकल है, तो इसका प्रैक्टिकल जो है आपके कॉलेज में अलग से डेट निकलेगा एग्जाम के बाद, उसी समय आपको प्रैक्टिकल कॉपी बनाना है और अपने जाकर वहां पर जमा कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार जो फ्रेंड्स जितना भी सब्जेक्ट जो है ग्रुप ए में दिया है वो सब यही होगा, और से जिनका मैथ है तो उनका एक जो बढ़ जाएगा पेपर नंबर 8। तो फ्रेंड्स यही आपको ध्यान देना है, यानी आपका ग्रुप ए में जितना
भी है आपको देख लेना है। उसी प्रकार अगर हम देखते हैं ग्रुप बी का, तो फ्रेंड्स आप लोग इसमें देखते हैं ग्रुप बी में पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स जो है, यहाँ पर सोशल साइंस, यहाँ पर जो हो गया AIS हो गया, LSW हो गया, होम साइंस हो गया, फिलोसफी होगा, साइकोलॉजी होगा, यहाँ पर PDOTA है। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार जो है ये तो इतना जो है ग्रुप बी में है, तो इसी प्रकार आपको ग्रुप बी सर्च कर लेना है। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर ग्रुप बी देखते हैं, तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर ग्रुप बी देखते हैं तो देख लेते हैं, यहाँ पर सेकेंड सीटिंग में पेपर नंबर 5 है, और उसके बाद ग्रुप बी यहाँ पर है 21 तारीख को पेपर नंबर 6, और उसके बाद 22 तारीख को है पेपर नंबर 7, और उसके बाद जो है बी यहाँ पर है 25 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में पेपर नंबर 8। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी प्रकार फ्रेंड जो है अपना GS देखने के लिए, तो जिनका भी सब्जेक्ट, जितना भी ऑनर्स विषय ग्रुप ए में आता है, उनका जो है 26 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में है, और जितना भी जो है ग्रुप बी के जो जितना सब्जेक्ट है उनका जो है सेकंड सीटिंग में जो है 26 तारीख को, और जिनका भी ऑनर्स विषय जो है ग्रुप सी में है तो उनका जो है GS पेपर 27 तारीख को है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसमें जो है सब्सिडरी नहीं होता, इसमें सीधे ऑनर्स और GS पेपर होता है। और फ्रेंड्स ये जो है आपका, ये आपका जनरल के लिए है जो आपका रूटीन दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये आपका ऑनर्स के लिए है, ये सब आपका जनरल विषय नहीं है, जो स्टूडेंट जनरल विषय लिए होंगे उनके लिए है। तो आप लोग का जो है यही है BA BCom BSc के लिए आप लोग का यही रूटीन रह गया है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने समझ लिया आप लोग को अपना जो है रूटीन कैसे चेक करना है, और आप लोग का कितना एग्ज़ाम होगा आप लोग यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा। और तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने आपको इसमें बहुत ही आसानी भाषा से समझाने की जो है हम यहाँ पर कोशिश की है, जो इसमें सबको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर इसके बाद भी आपके मन में कुछ भी इसके रिलेटेड डाउट होता है, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप सभी का जवाब दे दूँगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड्स।